हेलो नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक मोटर। सो मैं हूँ सुरेंदु, और आज जो मेरे सामने बाइक है ये आप देख पा रहे हो टीवीएस की तरफ से 125 में बेस्ट एक सेगमेंट फास्ट फीचर्स लोडेड बाइक है, टीवीएस राइडर 125। तो शुरुआत करते हैं इस बाइक का आज के डेट में 2024 मॉडल का टॉप वेरियंट एंड बेस वेरियंट में कुछ कुछ डिफरेंस है और क्या क्या नया चीज़ें मिल रहा है उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। सो ये वाला मॉडल है टीवीएस, जो अपाची वगैरह में जो फीचर्स यूज़ करता है वही वाला टेक्नोलॉजी स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ ये बाइक है। और इस बाइक में क्या क्या चीज़ नया मिलता है, तो फ्रंट से ही तो भाई लुक का कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर टीवीएस का लोगो, कोई भी वाइजर वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको तितली जैसा इसका डीआरएल, और यहाँ पर आपको ट्विन एलईडी हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है। जैसे कि देख सकते हो इसका, यहाँ पर दो आपको ऊपर में और नीचे में वो पल्ली, एक आपको तितली जैसा लुक देने वाला है। और फ्रंट में आपको 37 mm डायमीटर का टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन, 17 इंच का एलॉय व्हील के साथ आपको इसमें जो टायर मिलने वाला है, टायर प्रोफाइल का बात करूँ तो 80/100 सेक्शन का टायर मिलता है। और उसी के साथ साथ आपको इस में डिस्क का साइज आपको 220 mm मिलता है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। और इसमें कोई भी ABS वगैरह अभी भी कंपनी की तरफ से नहीं आ रहा है। सो इसका कलर ऑप्शन भी बहुत सारा है, और ये मेरे पास अभी ग्लॉसी ब्लू के साथ में देख सकते हो मैट ब्लैक में ये कलर ऑप्शन है। तो मार्केट में भी ट्विन कलर टोन यूज़ किया गया है, और ये आप एक बोल सकते हो लिटिल छोटा सा एक अपाची, क्योंकि इसमें नामी काली राइडर है, लेकिन अपाची से बहुत चीज़ें मिलता जुलता है ये बाइक 125 होने के बावजूद भी। सो नीचे में जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इंजन का नीचे काउल वगैरह सब अपाची जैसा ही मिलने वाला, इंजन गार्ड, यहाँ पर टीवीएस का लोगो, यहाँ का 3D में लोगो मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो एयरबैंड वगैरह। सो उसके बाद इसका आप टैंक देख सकते हो, टैंक में आपको टोटली यहाँ पर 5 आवर का टैंक मिलने वाला है, और 12 लीटर का टैंक इस बाइक में प्रोवाइड किया गया है। E20 फ्यूल को ये बाइक सपोर्ट करता है। सो उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो दोनों टाइप में आपको सिल्वर कलर का हॉर्स का लोगो, और यहाँ पर स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी का लोगो। यहाँ पर आपको USB चार्जिंग सॉकेट जो कि देख सकते हो टैंक के ऊपर ही है, जिससे कि यहाँ पर मोबाइल होल्डर वगैरह लगवा कर इजीली इस मोबाइल वगैरह को चार्ज कर सकते हो। सो अब बात करते हैं इसका जो अपडेट हुआ है, इसका डिस्प्ले देख सकते हो सेगमेंट फास्ट फीचर्स इस डिस्प्ले में आपको मिलने वाला है। तो दिखाता हूँ, इसमें आपको TFT टाइप का डिस्प्ले मिलता है। तो ऑन होने से ही हॉर्स, फिर राइडर का आर का इंडिकेशन फिर आएगा ऊपर में, यहाँ पर हॉर्स का लोगो, यहाँ पर आपको न्यूट्रल इंडिकेशन। इसमें अभी दो मोड पहले से ही है, इसमें मिलता है, और मोड के हिसाब से आपका जो ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले का थीम चेंज होता रहता है। और TVS का एक इंडियन प्रोडक्ट होने के बावजूद इसमें आपको फीचर्स वाइज इतना सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स मिलता है, जो कि इंडियन मार्केट में आज के डेट में शायद ही इतना बजट सेगमेंट बाइक में मिलता है। सो देख सकते हैं इसमें इको मोड में रहेगा तो ये थोड़ा ब्लू टोन में रहेगा, और पावर मोड में कन्वर्ट करने से ये थोड़ा रेड टाइप का मोड में आएगा। सो दिखा देते हैं, इसमें आपको यहाँ पर फ्यूल इंटीग्रेशन मिलने वाला है, यहाँ पर आपको RPM का इंटीग्रेशन, स्पीडोमीटर, नीचे यहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी, जो ट्रिप का ऑप्शन, यहाँ पर ओडोमीटर, यहाँ पर एवरेज स्पीड दिखाने वाला है। और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, जिससे कि अब इसका डिस्प्ले को अब यहाँ से ऐसे दबा कर डबल करने का ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही आपको ये इस हैंडल वाला ये बटन और इसमें ये मेनू वाला बटन, इन दोनों से ही आप इसको डोगल कर सकते हो, जो कि राइड के बहुत ही कंफर्टेबल होता है। यहाँ पर देख सकते हो एवरेज माइलेज दिखा जाता है ट्रिप ए, ट्रिप बी। सो यहाँ पर आपको जितना रेंज दिखाने वाला है, मतलब टैंक में कितना फ्यूल है उस हिसाब से कितना चलेगा ये रेंज दिखाने वाला है। सो यहाँ पर एवरेज माइलेज और यही बेसिक से फीचर्स हैं। और यहाँ पर मिडिल में आपको टाइम दिखाने वाला है, और इसको पावर मोड में स्विच करने से आपको देख सकते हो काफ़ी एक खूबसूरत सा इसका लुक चेंज हो जाता है। और भी इसमें बहुत सारा फीचर्स आपको अवेलेबल मिलता है, जो कि आपको बाइक को ऑफ और या जब जब ज़रूरत होगा तब तब वो वाला फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि देखा जाता है यहाँ पर इंजन चेक लाइट, यहाँ पर हाई बीम का इंटीग्रेशन, यहाँ पर आपको इंजन मैनुफेंसरन लाइट, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेशन, जो टर्न इंडिकेटर है उसका दोनों साइड में फ्यूल का इंटीग्रेशन, साइड स्टैंडर का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर आपको देख सकते हो आप। सो इसका डिस्प्ले में कितना सारा इंटीग्रेशन आता है, यहाँ पर आपको पहले बोलेगा हेलो राइडर,
बोल के यहाँ पर ऑप्शन आने वाला है, और जो कि दिखाता हूँ, हेलो राइडर और प्लीज यूज हेलमेट वगैरह दिखाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, सो हेलो राइडर आ गया। तो यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स है, ऑब्वियसली आप इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको जो टाइमिंग टाइम का लैप है, आप कितना टाइम में कितना स्पीड एवरेज किया अचीव किए हो, और आप इसका एवरेज स्पीड वगैरह सब कुछ इस डिस्प्ले में आपको दिखाता है। सो काफ़ी अच्छा सा फीचर्स है। और उसके साथ साथ मैं इसका लीवर दिखा देता हूँ, अपाची वाला ही लीवर इसमें यूज़ किया गया है। अपाची वाला आपको इसका जो मिरर है वो भी यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको पासिंग लाइट, यहाँ पर आप हाई बीम लो बीम का ऑप्शन, यहाँ पर आपको वॉइस कमांड असिस्ट वाला फीचर्स इस बाइक में आज के डेट में प्रोवाइड किया गया, जो कि नया एक अपडेट है। टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, इसमें आपको पावर एंड इको मोड, ये कोई इंजन कटआउट फीचर्स नहीं है। यहाँ पर मोड का स्विच, यहाँ पर सेल्फ, और यहाँ पर एक्सेलेटर वगैरह देख सकते हो, लीवर वगैरह आप देख सकते हो, अपाची वाला लीवर है। और यहाँ पर मेटल का आपको दोनों हैंडल बार एंड मिलने वाला है, हैंडल बेसिकली आपको नॉर्मल पाइप टाइप का मिलने वाला है। सो काफ़ी अच्छा सा फीचर्स, खूबसूरत सा ये बाइक बनाया गया है। और इस बाइक में आप देख सकते हो कोई भी स्प्लिट सीट ही ऑप्शन है, कोई भी सिंगल सीट का ऑप्शन इस बाइक में नहीं है। सो देख सकते हो यहाँ पर सीट आपको काफ़ी कंफर्टेबल, और इसका पीछे का जो आपको मोनोशॉक टाइप का सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल मिलने वाला है। और तो और भाई एक चीज़, यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया मिलता है, लेकिन आपको ये सीट में एक दिक्कत होगा। आप फैमिली इस टाइप का बाइक लेने के लेकर सोच रहे हो, तो इसमें दो ही बंदा भाई बैठेगा, और इसमें जो सिंगल सीट रहता है उसमें तो पता ही आपको कितना बड़ा ज़्यादा स्पेस मिलता है, ऐसे उठा हुआ नहीं रहता। सो कंपनी को देखना चाहिए, बेस मॉडल में एक नॉर्मल सिंगल सीट का ऑप्शन रखना चाहिए था। सो देन बात करते हैं इसका पीछे का, जो सीट में भी आपको थोड़ा बहुत लगेज का एक ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी यहाँ पर फर्स्ट एड किट एंड जो टूल्स है जिससे कि आप मैकेनिक बन सकते हो, ये वाला है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, जिससे कि आपका गाड़ी का कागज वगैरह, मोबाइल वगैरह आप इजीली कैरी कर सकते हो, वॉलेट वगैरह भी इजीली फिट हो जाता है। सो ये एक आपको हिडन टाइप का भी बोल सकते हो, और एक अच्छा फीचर्स भी आपको सेगमेंट वाइज मिलता है। लेकिन इसका जो यहाँ पर देख सकते हो चाबी यहीं से ऑपरेट होता है। सो इसका मैं चाबी दिखा देता हूँ, देख सकते हो नॉर्मल टाइप का ही की मिलता है, जो कि की के ऊपर टीवीएस का लोगो। और देन बात करते हैं इस बाइक का रियर प्रोफाइल में, रियर में आप देख सकते हो इसका जो मेरे को पर्सनली नेगेटिव पॉइंट लगता है, इस बाइक का लुक को फुलफिल नहीं करता, इसका पीछे का बैक लाइट या टेल लाइट जो कि बहुत छोटा सा है, जो कि टीवीएस का टी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप दूर में, जब दूर से देखते हो या फिर हाईवे वगैरह में राइड करते हो, तो ये इसका विजिबिलिटी काफ़ी कम रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हैलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर नंबर प्लेट इंस्टॉलेशन का प्लेस, ये भाई देख सकते हो हाल ही में ही मैनुफैक्चर होकर आया है 2024 में। सो यहाँ पर देख सकते हो आपको पोपाली जो पिलियन वगैरह बैठता है, लेडीज़ वगैरह के लेकर साड़ी गार्ड, और फुट रेस्ट, और यहाँ पर एडजस्टेबल फुट रेस्ट, और राइडर के लेकर आपको स्प्रिंग लोडेड फुट रेस्ट मिलने वाला है। और ये इंजन आपको 125 सीसी में मोस्ट पावरफुल इंजन मिलता है, तो 12 BHP का पावर देता है, और इस बाइक का टॉप स्पीड आपको मिलने वाला है ऑलमोस्ट 115 तक या 18 तक ये बाइक चला जाता है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर्स, और साइड स्टैंड के साथ इसमें सेंटर स्टैंड भी अवेलेबल है, और इसका चेन देख सकते हो ओपन टाइप चेन सेट के साथ ये बाइक आता है। तो इसमें आप देख सकते हो इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, उसके ऊपर भी एक आपको कवर लगाया गया है, और इसमें आप रियर सेक्शन में 100/90 सेक्शन का टायर मिलता है, उसके साथ साथ 17 इंच का ट्यूबलेस एलॉय व्हील के साथ 130 mm का ड्रम मिलता है, पीछे कोई डिस्क का ऑप्शन ऑप्शन नहीं मिलता। सो ब्रेकिंग वगैरह देख सकते हो, और इस इंजन को मैं बोले दिया, ये स्पेशली आपको एयर कूल्ड BS6 कम्बाइन फ्यूल इंजेक्टर टाइप का इंजन मिलता है, और इस इंजन का टॉर्क आपको ऑलमोस्ट 10 BHP का मिलता है, पावर आपको 12 BHP का मिलता है, और इसमें इंटेलगो का फीचर्स यूज़ किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो कैथोलिक कन्वर्टर के ऊपर में गार्ड वगैरह है, सब अवेलेबल है, और इस पीछे में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, तो बॉक्स टाइप स्विंग आर्म के साथ। आप बात करते इस बाइक का कुछ कुछ नेगेटिव थिंग के ऊपर, आज के डेट में इस बाइक का कॉम्पिटिटर हो गया भाई हीरो का एक्सट्रीम 125, उस बाइक को टक्कर देने के लेकर इसमें आपको टॉप मॉडल में ऑलमोस्ट एक तो जो ABS टाइप का अपडेट देना पड़ेगा, क्योंकि
अभी एक्सट्रीम 125 में तो आ रहा है फ्रंट में एबीएस, तो इसमें सिंगल चैन एबीएस का रिक्वायरमेंट बनता है भाई, प्राइस तो इसका बहुत ही हाई है। एक हो गया ये प्रॉब्लम, सेकंड हो गया आपको इसमें कोई भी किक वगैरह नहीं मिलता, देख सकते हो कोई भी मॉडल में किक वगैरह नहीं मिलता, ऑलमोस्ट कोई एक मॉडल में, बेस मॉडल में या फिर शायद टॉप मॉडल में भी एक तो किक का ऑप्शन रखना चाहिए था, और इसका एक स्प्लिट सीट के साथ साथ एक सिंगल सीट वाला वेरिएंट भी होना चाहिए था, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा और कंपनी जोर डालता तो ये बाइक और भी वैल्यू फॉर मनी हो सकता था। इस बाइक का जो बेस मॉडल का एक शोरूम प्राइस आपको मिलने वाला है 96,490 रुपीज़, और इस बाइक का टॉप मॉडल का एक शोरूम प्राइस आपको पड़ने वाला है 1,07,329 रुपीज़, और इस बाइक का बेस मॉडल का ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है 1,19,800 रुपीज़, और टॉप मॉडल का 1,31,000 रुपीज़ का पड़ने वाला है। और ये जो मैं प्राइस बोला, ये मेदिनीपुर कृष्णा टीवीएस का प्राइस आपको मैं अभी बोला हूँ, और आपको टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, चाहे आईक्यू से लेते लेते स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, अपाची वगैरह हो गया, और आरटीआर 310 वगैरह रॉनिन, सब कुछ आपको मेदिनीपुर कृष्णा टीवीएस शोरूम में अवेलेबल मिलता है। आपको टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हो मेदिनीपुर कृष्णा टीवीएस शोरूम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।